हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, यस्टरडे आई रेड द पोएम सोर ग्रेप्स फॉर यू एंड दैट इज द पेज 36. टुडे आई विल डू द एक्सरसाइज ऑन पेज 37. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. आई ऑल्सो टोल्ड यू द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड नाउ पेज 37 द एक्सरसाइज. Answer the following question. I will read the questions and tell you the answers. You can also take the picture of the answers. Did the fox really want the grapes? The answer is yes, the fox really wants the grapes. Second question is, what was so attractive about the grapes? They were ripe and rich to eat. जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग थी द दे की जगह पे हम ग्रेप्स कर लेते हैं. सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ग्रेप्स फॉर राइप एंड रिच टू ईट, सो दैट्स व्हाई इट वाज अट्रैक्टिव. विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्ड. अब राइप जो है उनको दो दफ़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया. दे वर रिच राइप एंड पर्पल रेड इन द फर्स्ट लाइन में, और जो लास्ट लाइन्स हैं उसमें कहा है जब वो हासिल नहीं कर सकता देन ही सेड द थर्ड वर्स कॉमन एंड मीन. बट इन द थर्ड वर्स इट इज सेड टू बी कॉमन एंड मीन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मॉरल लेसन दैट द पोएम टीचस अस. इस छोटी सी पोएम से आपको क्या सबक मिलता है? द पोएम टीचस अस लेसन दैट नेवर लूज हार्ट इफ वी फेस द फेलियर and be consistent to try again and again until we achieve our goal. तो बच्चों इसका जो moral lesson है वो हमें बताता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते फिर भी हमें उसके लिए एफर्ट करते रहना चाहिए जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते. एंड दिस वॉज द आंसर क्वेश्चन. कॉम्प्रीहेंशन थी. दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द बी पार्ट These are the questions are more difficult. Discuss them first. ये बहुत ज़्यादा difficult भी नहीं है, but sometimes the teachers left these portions. ये भी मैं इसको नहीं करूँगी. I will come towards the next. Can you write the following in full? यहाँ पे apostrophes दिए हुए हैं in form. तो short form में लिखे apostrophes दिए हैं. We have to read in full form. He shall, has not, that will. You will, does not, I would, they were, they are, might not, they have, who would. So I read this for you. Students, here they have given few proverbs. प्रोवर्ब्स होते हैं जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको एक्चुअली हम पढ़ें तो इट गिव्स द डिफरेंट मीनिंग, लेकिन हकीकत में उसका मतलब कुछ और होता है. एंड दे आर द प्रोवर्ब्स, दे आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. जो हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं दे आर वेरी क्लोज टू आवर डेली लाइफ हैबिट्स एंड रूटीन्स. डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दीज प्रोवर्ब्स एंड ट्राई टू राइट योर ओन explanation. Here I will give you the explanation and then I will also tell you the meaning. A bad workman always blames his tools. Students, अब इसका मतलब है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. इसका मतलब है जो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो इसका मतलब है कि हमारे माशरे में या सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं दे डू नथिंग. वो कोई काम ऐसा नहीं करते लेकिन दे ब्लेम अदर्स. हर वक्त वो शिकायत या किसी दूसरे को ब्लेम करते, किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, बट दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ. सो अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स. तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं या कहते हैं कि ये काम इस तरह से नहीं हो पाया बिकॉज इसमें ये प्रॉब्लम था. लेकिन हकीकत में जो इस प्रोवर्ब का मतलब है कि हकीकत में हिज टूल्स से मुराद है कि उसके पास टेक्निक्स या उसके पास खुद मेहनत करने का जज्बा या जो स्किल है वो नहीं होती है उस इंसान के पास जो कि दूसरों को ब्लेम करता है. बट ही डिड नथिंग इन द लाइफ. तो नेक्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. दिस इज अनदर प्रोवर्ब.
जो जिसका मतलब है जो बोंगते हैं वो काटते नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं दे स्पीक्स अ लॉट, वो बहुत सारी बातें करते हैं और दूसरों को थ्रेट भी करते हैं समटाइम्स, बट जब कोई इस तरह से मौका आता है तो देन दे डिडंट परफॉर्म एनीथिंग, तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस किस्म के भी करेक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, सो दैट्स वाई दिस प्रोवर्ब इज रिलेटेड टू दैट पर्सनैलिटीज। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज शेलवेस्ट, नदी को पार करती है जहाँ ये सबसे कम होता है। इसका मतलब ये है, इसका उर्दू ये है कि नदी को पार करना जहाँ पानी बहुत कम होता है। तो इससे मुराद ये है कि हम ऐसी चीज़ की तरफ जो है वो इशारा किया गया है कि जहाँ पे कम पानी हो या ईजीएस्ट वे है, तो एवरी वन ट्राइज टू फाइंड द ईजीएस्ट वे इन लाइफ। तो हम सब भी इसी तरह करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई टास्क होता है तो वी फाइंड द ईजीएस्ट वे, जहाँ पे पानी कम है हम वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं। तो दिस प्रोवर्ब टेल्स दिस सेंस। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपने तमाम अंडे एक टोकरी में मत डालें। दिस इज द उर्दू मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब एंड ओवरऑल इट गिव्स द मीनिंग और सेंस दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपनी तमाम एफर्ट्स और अपनी तमाम कॉन्सेंट्रेशन, बाज लोग सिर्फ एक ही टास्क को अचीव करने में लगा देते हैं एंड समटाइम्स बहुत देर बाद उनको एहसास होता है दैट इट वॉज ऑल इन वेन, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जब भी कोई एफर्ट करे तो डिफरेंट आस्पेक्ट से सोचना चाहिए। तो ये प्रोवर्ब जो है इट टेल्स द डिफरेंट सिचुएशंस आल्सो, कि जब कोई भी इंसान एक ही डगर में लगा रहता है बट ही ड्रॉप कट द सक्सेस, तो जब उसमें कोई कामयाबी नहीं होती तो इट मींस कि उसको डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही डायरेक्शन में अपनी कॉन्सेंट्रेशन को लगाए नहीं रखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।